दिल्ली में आयोजित की गई सीईसी की बैठक। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा उम्मीदवारों के लिस्ट जारी होने की उम्मीद। शिमला में बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने दिया बड़ा बयान। बलवीर वर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री खो बैठे अपनी मानसिकता। धर्मशाला में लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज। धर्मशाला चुनाव सह प्रभारी आशीष बुटेल का बयान, कहा बीजेपी की गलत बयानबाजी से कांग्रेस को होगा फायदा। जिले में बीजेपी नेता महेश्वर सिंह से मिलने पहुंचे कंगना रनौत। पूर्व सांसद और परिवार के लोगों के साथ की मुलाकात। नाराज चल रहे महेश्वर सिंह को मनाने की कोशिश। धर्मशाला में राज्य प्रवक्ता हिमालयन गद्दी यूनियन रमेश भोला ने पत्रकार से की चर्चा। चुनावी मैदान में उतरने का दावा, कहा 75 सालों से किया गया शोषण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार को सुबह 9 बजे सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए, आपको बताते चले कि कांगड़ा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि आगामी लोकसभा और उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने जहां पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं आज कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि आज दिल्ली में सीईसी की बैठक होने वाली है और निश्चित तौर पर इस बैठक में लोकसभा और उपचुनावों के प्रत्याशियों की चर्चा होगी और उसके बाद लोकसभा और उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। आज हमारी सीईसी की मीटिंग है और सीईसी की मीटिंग में हम तकरीबन लोकसभा के और विधानसभा के प्रत्याशियों की चर्चा होगी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उसके बाद प्रत्याशियों का घोषणा होगी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बलवीर वर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बलवीर वर्मा ने सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि सीएम अपनी मानसिकता खो बैठे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सारी बातों को लेकर पूर्व विधायक न्यायालय पहुंच जाएंगे और जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता बीजेपी को 400 पार के आंकड़े पर पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह की भाषा का प्रयोग हिमाचल में कर रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद में सबसे पहला काम संस्थान बंद करने का किया। प्रदेश में विकास के काम बंद हो गए और साथ ही कांग्रेस सनातन के विरुद्ध हो गई है और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सनातन के खिलाफ जाना मंजूर नहीं किया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और सेव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इस तरह से मुख्यमंत्री आज तक देश के अंदर प्रधानों ने भी ऐसा बयान नहीं दिया हो। प्रधान भी अपने विपक्ष के प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को इस तरह के बयान नहीं देते और मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं और हमारे माननीय पूर्व विधायकों ने हर चीज कोर्ट में ले गए हैं। दूध का दूध, पानी का दूध का दूध, सब कुछ सामने आएगा, सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। आप सब जानते हैं ये झूठी बयानबाजी, जनता को गुमराह करना कांग्रेस पहले भी जानती थी, पहले भी किया है, अब भी कर रही है। जैसे ही शपथ ली सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए। ये एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे आज से पहले उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ होगा, जहां
400 कुछ विधायक है और 80 एमपी है कि 1200-1300 इंस्टीट्यूशन एक साथ बंद किए जाए। मुख्य संसदीय सचिव, पालमपुर विधायक और धर्मशाला चुनाव के सह प्रभारी आशीष बुटेल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने कुछ विधायकों के साथ में मिलकर सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहली बार इस तरह के असलता हाथ लगी हुई है, जहां पर देवभूमि, हिमाचल के लोगों और नेताओं ने अपनी सरकार को बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गए जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीता, उस समय वो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे थे और जब अब वे किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी हाल में गिरने वाली नहीं है। उन्होंने बाकी विधायकों से भी सवाल उठाए कि किस प्रलोभन से वो बीजेपी में गए हैं, उसकी स्थिति भी जनता के सामने स्पष्ट करें। आशीष बुटेल ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ऐसा हुआ ही नहीं और ऐसे में अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुझे धर्मशाला का सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए बनाया गया है और उसी के लिए मैं आज यहां पर आया था। और जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकरण में 6 बागी विधायक शामिल हैं, उन्हीं की बात आज हम लोगों ने यहां पर की है, जिन्होंने एक बिना मतलब के, मैं समझता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये 6 बाई इलेक्शन जो है वो थोप दिए गए हैं। और आगे भी हमने आगे क्या करना, अब हम इसके बाद बैठकर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मीटिंग भी करेंगे कि आगे क्या काम होंगे। सबसे जरूरी ये था कि जिस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से आ रही है और जिनकी जिस तरह का दोष ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुझे लगता था कि ये स्थिति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कांगड़ा और खासकर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हुए वो सरकार के जरिए हुए हैं और आगे भी होंगे, और इसी के लिए आज हम ये बातचीत करने आए थे। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत अपने चुनावी दौरे पर हैं। इसके चलते कंगना रनौत ने रघुनाथपुर में पहुंचकर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ में मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंगना रनौत ने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ में मुलाकात की और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भेंट भी की है। वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की तरफ से भी कंगना रनौत को कुलवी टोपी और साथ ही आपको बताते चले कि शॉल देकर सम्मानित किया गया। और ऐसे में बीते दिनों भी पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की तरफ से भी बयान दिया गया था कि वे जब तक जीवित रहेंगे पार्टी के लिए काम करेंगे। उसके बाद में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेताओं के साथ में मुलाकात की थी और अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हुई बैठक में यह निर्णय भी लिया है कि वे अब पार्टी के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से देश का पीएम बनाएंगे। प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया है। बैठक में सदर विधायक अनिल शर्मा और जिलाध्यक्ष निहाल चंद सहित बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में श्रीकांत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के टिप्स दिए। वहीं प्रदेश बीजेपी सचिव बिहारी लाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये बैठकें मंडी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही हैं। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को भारी मतों की जीत दिलाना है। उन्होंने कांग्रेस पर भी अभद्र टिप्पणियां करते हुए कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी की है और कांग्रेस कंगना रनौत को लेकर बौखलाई हुई है, जिसका खामियाजा वे इन चुनावों में भी भुगतेंगे। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होगा। हिमाचल प्रदेश का चुनाव आगामी 1 जून को संपन्न होगा। अभी मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी उपस्थित हैं। वो कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हमारा जो चुनाव अभियान अपने इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के पक्ष में चलना है, उस संबंध में बातचीत करेंगे और विशेष रूप से
हमारे यहाँ से मंडी से हमारे जो प्रत्याशी है बहन कंगना जी, उनके पक्ष में किस प्रकार से नीचे बूथ में जाकर के कार्यकर्ताओं को योजना करनी है। धर्मशाला में राज्य प्रवक्ता हिमालयन गद्दी यूनियन रमेश भोला ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गद्दी समुदाय की 7 उपजातियों के नेताओं और कई मंचों के खिलाफ भी आक्रोश जताया है। उन्होंने लगातार वंचित उपजातियों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। यूनियन के प्रवक्ता ने भी कहा कि हाल ही में द्वितीय महासम्मेलन जोरावर सिंह मैदान में किया गया है। छह उपजातियों का काम जो आज भी गद्दी शब्द हमारे साथ नहीं जुड़ा है, जो कि हम 3-4 वर्षों 5 वर्षों से तो सरकारों के साथ आना जाना और प्रयासरत रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ा। सोलन में आज सिख धर्म द्वारा आपको बताते चलें कि ऊपर बाजार गुरुद्वारा में बैसाखी का पर्व धार्मिक भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं खालसा सृजन दिवस भी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोलन जिला के सभी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। सारी संगत के सहयोग बैसाखी का पर्व इस गुरुद्वारा साहब मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य च खालसा पंथ की साजना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने करी थी। धर्म दे जो निजम शिमला में 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस की राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर रिज मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड और आपको बताते चलें कि एनएसएस सहित कुल 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिनकी रिहर्सल भी चल रही है। पुलिस और होमगार्ड बैंड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आचार संहिता के चलते इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेंगी। तो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहां तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे हैं, उसी प्रकार के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो है वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।